नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के डिजिटल जमाने में वीडियो हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है, जिसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करने और मैसेज को पावरफुल तरीके से पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। कंटेंट क्रिएटर से लेकर प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स और मार्केटर्स तक वीडियो एडिटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज हम बात करेंगे बेस्ट 5 वीडियो एडिटिंग लैपटॉप के बारे में, बेसिकली जिनमें आपके सारे वीडियो और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर भी स्मूथली वर्क करेंगे। इन सभी लैपटॉप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लैपटॉप। Asus VivoBook का डिजाइन स्लीक और मॉडर्न है। इसका वेट भी कम है, इसलिए ट्रैवल फ्रेंडली है। बैकलिट कीबोर्ड और स्मूथ ट्रैक पैड भी काफी कंफर्टेबल है, जो कि वीडियो एडिटिंग में काम आता है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। लैपटॉप में एक इंटेल i9-13900H प्रोसेसर है, जो एक हाई एंड प्रोसेसर है। इसकी क्लॉक स्पीड बहुत अच्छी है, जिसके कारण आपको सीमलेस परफॉर्मेंस मिलेगी वीडियो एडिटिंग, रिटर्निंग और अदर डिमांडिंग टास्क के लिए। स्टोरेज और मेमोरी की बात करें तो लैपटॉप में 16GB DDR4 रैम है, जो काफी स्पीडी है। इससे आप इजीली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को एक साथ चलाना, और साथ में आपको मिलता है 1TB का SSD, जो कि स्टोरेज में काफी स्पेशियस है और फाइल्स को स्पीडी एक्सेस में हेल्प करता है। लैपटॉप में एक 16-inch फुल HD IPS डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन काफी अच्छा है, जिससे कलर्स और डिटेल्स बहुत वाइब्रेंट दिखते हैं। IPS पैनल की वजह से आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं, जिससे वीडियो एडिटिंग में काम करते वक्त आपको सही कलर रिप्रोडक्शन का फायदा होता है। इस लैपटॉप में एक NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है। यह GPU वीडियो एडिटिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका हार्डवेयर एक्सेलरेशन वीडियो रेंडरिंग को एक्सेलरेट करता है। हाई क्वालिटी वीडियो इफेक्ट्स और 3D एडिटिंग के लिए भी काफी कैपेबल है। यह लैपटॉप आपको वीडियो एडिटिंग में बहुत हेल्प करेगा, यू शुड कंसिडर इट। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेकंड लैपटॉप, जो कि है डेल इंस्पिरॉन 5430। बात करते हैं इसके स्पेक्स की। लैपटॉप में इंटेल 13th Gen i7-1360P प्रोसेसर है, जो एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है। इसमें 12 कोर्स है और 18MB कैच है, जो वीडियो एडिटिंग टास्क में काफी फायदेमंद है। आप लार्ज वीडियो फाइल्स को बिना किसी लैग के एडिट कर सकते हैं और मल्टीपल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को स्मूथली रन कर सकते हैं। डिस्प्ले और ग्राफिक की बात करें तो 14-inch फुल HD डिस्प्ले है, जो कंफर्ट व्यू सपोर्ट के साथ आता है। यह डिस्प्ले साफ और वाइब्रेंट कलर दिखाता है, जिससे आपके वीडियो प्रोजेक्ट्स और आपके ग्राफिक डिटेल्स में अच्छे दिखते हैं। ग्राफिक कार्ड इंटेल आयरिस XE ग्राफिक है, जो वीडियो एडिटिंग टास्क के लिए काफी कैपेबल है। छोटे मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी के वीडियो प्रोजेक्ट को आप इस ग्राफिक कार्ड की हेल्प से स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। लैपटॉप में 16GB LPDDR5 रैम है, जिसकी स्पीड 4800MHz की है। यह आपको सीमलेस मल्टीटास्किंग और फास्ट वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस देता है। आप बड़ी वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स को बिना किसी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन के हैंडल कर सकते हैं, और साथ में इसमें 1TB SSD स्टोरेज है, जो हाई स्पीड डाटा एक्सेस और ट्रांसफर प्रोवाइड करता है। इस स्टोरेज कैपेसिटी से आप लार्ज वीडियो प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं और फाइल्स को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस लैपटॉप के साथ आप प्रोफेशनल ग्रेड वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लैपटॉप, विच इज HP Pavilion Plus। ये लैपटॉप एक काफी अच्छा ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग के लिए। इसमें कुछ की फीचर्स है, जो वीडियो एडिटिंग टास्क को हैंडल करने में हेल्प कर सकते हैं। लैपटॉप में इंटेल कोर i7-12700H प्रोसेसर है, जो 12th Gen है। इसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.8GHz है, लेकिन इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप इसको अप टू 4.7GHz तक बूस्ट कर सकते हैं। इसमें 14 कोर्स और 20 थ्रेड्स है, जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन करने में मदद करता है। डिस्प्ले एंड ग्राफिक की बात करें तो लैपटॉप में 14-inch 2.8K OLED डिस्प्ले है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह डिस्प्ले हाई रेजोल्यूशन और वाइब्रेंट कलर्स दिखाता है, जिससे आपके वीडियो प्रोजेक्ट्स और ग्राफिक डिटेल्स में अच्छे दिखते हैं। एंड इसमें कार्ड इंटेल आयरिस XE ग्राफिक कार्ड है, जो वीडियो रीएंडरिंग और एडिटिंग टास्क के लिए काफी कैपेबल है। लैपटॉप में 16GB DDR4 रैम है, जिसकी स्पीड और कैपेसिटी वीडियो एडिटिंग के लिए काफी अच्छी है। आप मल्टीपल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को एक साथ चला सकते हैं और लार्ज वीडियो फाइल्स को बिना किसी लैग के एडिट कर सकते हैं। एंड इसमें 1TB SSD स्टोरेज है, जो तेजी से डाटा एक्सेस और ट्रांसफर करता है। इस स्टोरेज कैपेसिटी से आप बड़े वीडियो फाइल्स और प्रोजेक्ट फाइल्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो HP Pavilion Plus एक अच्छा चॉइस है वीडियो एडिटिंग के लिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लैपटॉप, यह एक कमाल का ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग के लिए। इस लैपटॉप में कुछ की फीचर्स है, जो आपको वीडियो एडिटिंग में हेल्प करेंगे। लैपटॉप का डिजाइन स्लीक और लाइट वेट है। एल्युमिनियम बॉडी के साथ इसके बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और एक्सेलेरोमीटर सेंसर जैसे फीचर्स भी है, जो यूजर एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बनाते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो लैपटॉप में 12th जनरेशन इंटेल i7-1260P प्रोसेसर है, जिसका बेस क्लॉक स्पीड 2 है, लेकिन इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसको अप टू 4.6GHz तक बूस्ट कर सकते हैं। इसमें 8MB L3 कैच है, जो वीडियो एडिटिंग टास्क को स्मूथ और इफेक्टिव बनाता है। लैपटॉप में 16GB LPDDR5 रैम है, जो काफी हाई स्पीड और इफिशियंट है। इससे आप बड़ी वीडियो फाइल्स को आराम से हैंडल कर सकते हैं और सीमलेस मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और इस लैपटॉप में 512GB NVMe SSD स्टोरेज है, जो डाटा एक्सेस और ट्रांसफर में तेजी प्रोवाइड करता है। SSD की वजह से आपके वीडियो प्रोजेक्ट्स को क्विकली लोड करना और एडिट करना आसान हो जाता है। डिस्प्ले एंड ग्राफिक की बात करें तो लैपटॉप में 13.3-inch फुल HD AMOLED टच स्क्रीन डिस्प्ले है, जो एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। एंड इंटेल आयरिस XE ग्राफिक का प्रेजेंस आपको वीडियो एडिटिंग और मल्टी मीडिया टास्क में काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप पोर्टेबल हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप काम कर रहे हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो एक अच्छा चॉइस है वीडियो एडिटिंग के लिए।
अब हम बात करेंगे आज के लास्ट लैपटॉप के बारे में जो कि है HP Victus। इस लैपटॉप में Intel Core i7-12650H प्रोसेसर है जो 12th जनरेशन का है। इसकी क्लॉक स्पीड अप टू 4.7 GHz है और इसमें 10 कोर्स और 16 थ्रेड्स है। आप मल्टीपल वीडियो ट्रैक्स और कॉम्प्लेक्स इफेक्ट को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। स्टोरेज और मेमोरी की बात करें तो इसमें 16 GB DDR4 RAM जो मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छा है। आप मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ब्राउजर टैब्स को स्मूथली चला सकते हैं बिना किसी लैग के। और इसमें 512 GB SSD स्टोरेज है जो हाई स्पीड डाटा एक्सेस और ट्रांसफर की फैसिलिटी देता है। लार्ज वीडियो फाइल्स को क्विकली लोड करना और एक्सपोर्ट करना इसमें आसान होता है। अब बात करें लैपटॉप के डिस्प्ले की तो इसमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है जिसका 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 9ms रिस्पांस टाइम। ये डिस्प्ले वीडियो एडिटिंग के लिए काफी अच्छा है क्योंकि फास्ट रिफ्रेश रेट और रिस्पांस टाइम से आपको स्मूथ और लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti लैपटॉप GPU है जिसका 4GB GDDR6 डेडिकेटेड मेमोरी है। इससे आप कॉम्प्लेक्स वीडियो इफेक्ट्स और हाई रेजोल्यूशन वीडियो को इजीली एडिट कर सकते हैं। Victus एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग के लिए इस बजट में। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स जो आपको एक पावरफुल और स्मूथ एडिटिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। हर लैपटॉप अपने यूनिक फीचर्स के साथ आता है और आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। तो वीडियो एडिटिंग में अपना क्रिएटिविटी दिखाइए और अपने प्रोजेक्ट को एक नए लेवल तक के साथ। इन लैपटॉप के साथ आपके इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्टे क्रिएटिव एंड स्टे प्रोडक्टिव।